अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मलाई से मक्खन बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल जो है यहाँ पर मलाई जमा कर ली थी दूध से, ठीक है। और उसके साथ और इसको फिर मैंने फ्रिज में जमने के लिए रखी थी। रोज रोज मैंने दूध से मलाई निकाली और इसको इस तरह बोल में मैंने जमा लिया। इसके बाद अब मैंने इसको निकाला 2 दिन पहले और इसको मैंने रख दिया ताकि ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। और उसके बाद मैं इसे और इसके बाद अब इसको मलाई को मैं इस ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा, अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो पानी डालें मलाई के साथ, और इसको हम ग्राइंड करेंगे तो जो लस्सी होगी वो नीचे रह जाएगी और जो उसका मक्खन होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उस मक्खन को हम निकाल लेंगे और आपका मक्खन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। ये देखिए, इस तरीके से इस मलाई को जो फर्मेंट हो चुकी है, हमें थोड़े से पानी की जरूरत है, तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ ताकि जो लस्सी है वो बन के नीचे चली जाए और मक्खन ऊपर आ जाए। अब मैं इसमें 1 ही गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि इसके ऊपर मक्खन आ जाए, अलग हो जाए। अब ये देखिए, मैं ये मक्खन जो मैंने ग्राइंड किया था ये मैं इसमें डाल रही हूँ, जो मैंने मलाई ग्राइंड की थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि जो मक्खन है ये पानी के ऊपर हो जाए और जो लस्सी है वो पानी में मिक्स हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा मक्खन। ये देखिए, ये मैंने इसको अलग कर दिया और ये हमारे पास जो ये लस्सी है ये बिल्कुल अलग हो गई और ये मक्खन जो है